यस। और गाइस इधर का लोकेशन सबसे पहले मैं शुरुआत में दिखाता हूँ, ये देखो, और हमें जाना है सीधा ऊपर जाना है। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा मायरे को कुछ खिला के ऊपर जाएंगे, फिर आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं बुद्धिस्ट टेम्पल और दार्जिलिंग का ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। और गाइस इधर का व्यूज देख सकते हो आप, दिखाओ इनको। तो कैसा लगा आपको? और भी गैंगटोक में मेरा पैर टूटा था बट यहाँ सेफ चल रहा है मुझे। और मम्मी अभी बाबू को फीड कर रही है इसलिए वो आई नहीं, वो आ रही है। तो चलिए पहले जल्दी से जाके आपको दिखाता हूँ क्या। बहुत प्यारी लग रही है, पता है ये कॉस्ट्यूम में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है तुम। भाई बारिश हो रहा है वहाँ, देखो मायरा, ओ मायरा बहुत एंजॉय कर रही है। उसको क्या तुम उनसे ले कपड़े लेके नहीं आई लड़की है? अरे यार हम लेके आए, वो गरम रखता है ना, अभी स्टाइल लगेगी कि बच्चों को गर्मी में बचाएंगे, पहले बताओ। ओके, और अभी हम लोग आ गए हैं बुद्धिस्ट टेम्पल। इधर आ जाओ मम्मी, दिखाओ इनको। चलो ये रहा हम लोग बुद्धिस्ट टेम्पल, तो हमें जाना है वहाँ पे। वाओ क्या मस्त वादी है मम्मी, वाह क्या मस्त लग रहा है यार। ए सुने ना करण भैया, बाबू पकड़िए इधर, हम लोग आते हैं देख के। चलो ना इधर नहीं, थोड़ा छाव में कार किधर है? कार उधर है, इधर रुकता अंदर स्टेट में बाहर। जल्दी मैं आपको बुद्धिस्ट टेंपल दिखाता हूँ, बहुत प्यारा है। सबसे पहले देख लो आप, आ जाओ। तो ये देखो, ओहो एक फोटो क्लिक जहाँ से वहाँ रहेंगे तो निकालते रहना, ठीक है? फोटो। तो दार्जिलिंग सच में इतना प्यारा है, ऐसे घूम के दार्जिलिंग सच में इतना प्यारा है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। और बारिश हो रहा है, और हल्का हल्का जब बारिश हो रहा है उसका मजा ही कुछ और है। तो ये है दार्जिलिंग का वेदर जिसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे देखने के लिए। बाबू हम तुमको उठा के लेके जाएंगे, चलो उठाओ उठाओ आज। अरे बात इज्जत पे आ गई है, बात इज्जत में उठाया इसको यार, पूछो बात इज्जत पे आ गई। सिर्फ तुम अपना वेट मत देना मेरे को, वरना दोनों गिरेंगे। भाई साहब हम तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे। एक तरीका होता है ना मम्मी, है ना? आओ पूरा ऐसे करके व्यू दिखाना मम्मी, बहुत प्यारा है। उठाओ आ तो वहां तो उठाओ ना, तुमको उठाना कौन सी बात है। अच्छा गिर जाएंगे, लेने की देनी पड़ जाएगा। चढ़ने दीजिए ना, देखते कितना देर तक लेके चलता है भाई। जितना चलेंगे उतना तुम भी नहीं लेके चले पाओगे। नहीं हम चल लेंगे भैया, हम नहीं चल पाएंगे। 110 की बाबू छोड़ दे, चलो वहाँ पहुँचा देंगे। नहीं बाबू बाबू नहीं 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 गिरोगे, चलो ना। नहीं बाबू, अरे यार पहुँच भी गए हम लोग। यो सो थक गया थोड़ा सा बट कोई नहीं, उनको मैं फोटो लेने के लिए बोल रहा था। देखा यहाँ पर आएगा भैया, देखा फोटो नहीं लिया इसने। अरे अब खड़ा है ना, फोटो लेंगे भैया। चलो बिहार लेके नहीं जाना उसको, चलो नहीं पापा तो बिहार लेके नहीं जाना, चलो कोई भी सॉन्ग पे लगा देंगे, ऐसे करो ना।
तो फाइनली हम लोग ऊपर आ गए और जा रहे हैं बुद्ध भगवान के पास, जाके थोड़ा प्रणाम कर ले, फिर जाके थोड़ा सा फोटो शूट या रील्स वगैरह बनाया जाएगा, एक दो बना लेंगे। थके तुमसे ज्यादा समय, मेरा थाई ना ऐसे ऐसे कर रहा है, बहुत भारी है यार ये, मजाक है क्या? उठाते समय तो नहीं सोचे तो आप क्यों सोच रहे? जबकि बोले थे बाबू, हम पहले भी जमीन में उठा चुके हैं। फिर काहे बोल रहे इतना? बोलना पड़ता है ना भाई। तो फाइनली हम लोग बुद्ध भगवान के दर्शन कर लिए और देखो धूप उधर, धूप और सडन ये फॉग आ जाएगा। और हमारी मैम साहब अभी शूज पहन बोला तो दिए है, अब बोले अब कैसे पहनेंगे बताइए, कैसे कैसे पहनोगे? जूता लेते टाइम तुमको ढीला नहीं लेते क्या मम्मी? लेती तुम ही हो, बोलती भी तुम ही हो। सडन चाहिए था एक बूट का, वाह एक्सक्यूज हमेशा रहता है ना। और अरे बाबा क्या लग रहा है ये, हाँ स्मार्ट तो लग रहे हो भाई। ओह मैं एक बार ऐसे, ओ ये पूरा मैंने व्यूज एक दे दिया आपको, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है दादी ना मम्पी। गैंगटॉक में जाते हैं, वहाँ गए थे, था ऐसा ही पेड़, पूरा लंबा लंबा पेड़ था, लंबा पेड़। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं दार्जिलिंग के कौन सा ये रॉक गार्डन, अभी आई नहीं है ये रास्ते में, मुझे ये व्यूज बहुत अच्छा लगा तो मैं सोचा यहाँ पे रुक जाओ। कितना अच्छा लग रहा है मम्मी बताओ, मजा आ रहा है? बहुत अच्छा। और मायरा अभी से सपा फील ले रहा है, बड़ा होगी फिर आएगी, बड़ा होगी तो फिर आएगी। बहुत ज्यादा इंजॉय हो रहा है, बहुत ज्यादा। और ऊपर दिखाओ मम्मी को, ये तो बताओ कैसा लग रहा है आपको? अगर अच्छा लग रहा है तो बता रहा है, सो फाइनली हम लोग रॉक गार्डन पहुंच गए हैं और यहाँ पे आते के साथ एक बेहतरीन नज़ारा। और वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड था, बट ये है, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो, ऊपर जा सकते हो, आप जितना ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। और बारिश का मौसम भी है, पता नहीं ऊपर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, बट चलो आगे सफ़र करते हैं। और मम्मी का कल तबीयत ख़राब हो गया था तो रिक्स भी नहीं लेना है मुझे, तो फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कितना दूर चल पाएंगे। Let's go! आ गए हैं मैगी खाने के लिए क्योंकि ऊपर चढ़ना है तो भूख लग गया है, तो थोड़ा मैगी खा के फिर हम लोग जाएंगे वाटरफॉल देखने के लिए। और जहाँ तक कि मुझे याद है पिछला वाटरफॉल देखने में मेरा पाँव टूटा था, तो इस बार मैं कोई ऐसा गलती नहीं करने वाला हूँ जिससे मेरा पाँव को फिर से फ्रैक्चर या लिगामेंट क्रैक हो, तो अच्छे से सावधान होके जाएंगे और आपको सारा क्लिप दिखाएंगे। हमारे साथ मायरा बहुत इंजॉय कर रही है, देखो बहुत तेज भूख लग गया था तो भूख मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो कुछ खा लेते हैं। चलो जब मैगी आ जाएगा फिर यहाँ पहाड़ का मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। पहाड़ में मैगी और मोमोज खाने का जो मजा है बता नहीं सकते, फाइव स्टार भी कम है, सही में कम है, मजा आ रहा है। आंटी बहुत अच्छा मैगी बनाती है, आपका क्या है? राहुल मम्पी.राहुल। सो मम्पी कैसा लगा आपको ये बताओ मैगी खा के यहाँ पे? बहुत टेस्टी। कैसा लगा? बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा मैगी बना, बहुत अच्छा। हाँ 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 एकदम। तो मम्पी को बहुत ज्यादा पसंद आया। और गाइस यहाँ पे आप दुकान देख सकते हो, ये है रॉक गार्डन, अभी हम लोग ऊपर नहीं चढ़े, ऊपर चढ़ेंगे तो फिर उसका बात ही कुछ और है। तो हाँ आंटी आप बहुत अच्छा मैगी बनाए हो, मैगी बहुत अच्छा बनाया आपने।
रॉक गार्डन आ गए। और मैडम कैसे लग रहा है आपको? पहली बार दार्जिलिंग में कैसे लग रहा है? और बहुत अच्छे से वीडियो बनाने वाले हम लोग, बहुत तगड़ा। ऐसे घूमेंगे क्या यार हम लोग? घूमेंगे क्या? कुछ नहीं। कितना टिकट लिया? 20 रुपये। रामपी छोड़ दो, तुम मत जाओ यार। नहीं जाना। तुम मत जाओ। नहीं जाना, हम थक जाएंगे। हाँ तुम मत जाओ बाबा। नहीं जाते हैं, फिर वही झरना ही देख रहा है ऊपर जाके, नीचे से भी तो झरना ही देख पा रहा है ना। जाने दो उनको, जाने दो। बेकार पैर दर्द। बेहोश हो गए तो दिख। अरे बेहोश हो गए बाबा, पागल है क्या? कल भी तो हुए थे। कल हुए थे, कल बहुत एक्सट्रीम चल रही थे, इतने थक जा रहा है। मैं उनको रॉक गार्डन दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है? ठीक है, आप जाओ, मायरा को लेके जाओ। फिर मायरा को लेके जाओ। हम अकेले तुमको छोड़ भी नहीं सकते ना। उतना बच्चा नहीं है बाबू, बैठे कलर देखो कौन सा, कौन सा फिक्स कर। सो ये है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं आप लोग को दिखा दूंगा, ऑरेंज वैली टी दार्जिलिंग, और मम्पी फॉग का मजा लेते हुए। क्या मम्पी, आओ एक चीज दिखाए। जाओ 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 जाओ, जा, जा। उधर मत जाना मम्पी, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे कैसे, यहाँ का जो टी गार्डन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मायरा हैप्पी हो रही है, इधर हाँ? किधर? ओ मायरा इधर इधर। ओ वाओ, नीचे जा सकते थे, नीचे भी देखिए क्या मतलब। मम्पी कैसा लग रहा है तुमको दार्जिलिंग? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, मायरा के साथ वो भी बहुत अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। और उधर दिखाता हूँ तुमको, चलो अब मैं उधर भी दिखाता हूँ तुमको। तो अभी हम इसके बीच में इधर, ये है टी गार्डन गाइस, जो आप देख रहे हो ये है सारा टी गार्डन, और अभी हम लोग टी गार्डन के बीच में खड़े हैं। फोटो लेना बाबू, फोटो लेना है इसमें। ओके तो सबसे पहले ये व्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करके व्लॉग को, फिर मिलेंगे कल एक अच्छा व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आज के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर कर देना। प्यारा प्यारा बाय बाय।